छोटी सी सोनी कुकी सो रही है, सोनी कुकी तो पायल बोलेगी वो हाँ करती है। चल फिर ये ले ले अयान का, इसे नींद पूरी हो गई। सोनी बात करो बेटा, ठंडी बच्चे दो तीन साल तक बात ही नहीं करते, हम कितना बात करते थे। तो गई वो। अयान का जो नाम है ना वो परमानेंट हो गया है। मैम वो आपने बुलाया था मुझे चेक करने के लिए। और यहाँ पे जो है अयान, देखो आंखें खोल ली इसने। देखो तो गाइस बच्चों का टाइम आ गया कूं कूं करने का, तो हमारी तू बहन वो कूं कूं कर रही है। मेरे तो फोल्डम फोल्डर रो भी रही है, रो रही है वो। पायल आज हम दो जोड़ी कपड़े लेके आए ना ग्रीन, हमारे यहाँ छठी के दिन ही बच्चे को नहलाया जाता है। तो मैं क्या किसी और का फिट करा रही थी, मैं भी अपना फिट करा रही थी। पायल जैद का भी टीका लग गया। क्या हो गया, सबसे ज्यादा सुंदर चीकू लग रहा है। क्या हुआ, नमूना बना दिया। शांत है बेचारा, ये कुछ नहीं बोलता किसी को, नजर आने लगे पूरा मुंह काला कर दिया। देखो पूरा मुंह काला कर दिया। चुन्ना मुन्ना बच्चे बहनों देखो मेरा चुन्ना मुन्ना बच्चा। चल तो चेहरा मेरी चंदा बाबू है। राजा आओ पास हमारे, और जट्टा चुप चुप करे इशारे। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। कैसे हैं आप सब, होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज की वेलकम बैक जुड़ो हम मम्मी के साथ है, हम दोनों ने सेम सूट पहना है और हम बच्चों को लेके जा रहे हैं अभी फिलहाल। इनके जॉन्डिस की शिकायत बताई थी डॉक्टर ने, तो इनका ब्लड जो है वो देके आना है और साथ ही साथ मुझे चेकअप करा के आना है कि मेरा आगे जो कंटिन्यू वो जो कोर्स चल रहा है वो होगा कि नहीं, क्योंकि पायल का निमोनिया के पैचेस आए थे गाइस। तो इसको ये चीज दिखानी है क्योंकि तीन दिन ना पायल को ड्रिप चढ़ी है, तीनों टाइम हमारे हॉस्पिटल से भैया आए हैं, इनको पायल को ड्रिप लगाई है। तो आज पायल का चेक हो जाएगा, फिर पता चलेगा कि पायल की जो ड्रिप है वो कंटिन्यू होगी कि नहीं होगी। तो अभी मैं पायल जैद और अयान और तूबा हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। जैद है घर पर बुआ नानी के पास। चले चलो, चाहे हम ऊपर टिप टॉप हो जाएं सूट पहन ले पर नीचे वही हमारी हवाई चप्पल होती रहे। और गाइस देखो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा मेकअप करने का, बिल्कुल भी नहीं टाइम मिल रहा, बस फटाफट मुंह धोया है, ब्रश करा है और बस निकल गई हूँ। और यहाँ पे पानी की बूंद गिरी हुई थी। हाँ तो बट कोई बात नहीं, ग्लो तो अब भी कर रहे हो आप। ग्लो कर रहे हो आप पहले से, तो फेयर हो गई हूँ, फेयर हो गई, पिंपल हो गया यार मुझे देखी हूँ। प्रेगनेंसी में कितना साफ हो गया था मेरा चेहरा, दोबारा से पिंपल्स अपनी आ गए। छोटी सी सोनी कुकी सो रही है, सोनी कुकी, और वो भी सोनी दिख नहीं रही थी उस टाइम, आने लग गई नहीं है, हमसे भी ज्यादा लंबी है। तीनों बच्चों की गाइस ने, चारों बच्चों की आईलैश जो है ना कमाल की है। इनके पापा पर हम यही बोलते थे, मैं कुछ जाए ना जाए आंखें आप पे जानी चाहिए, आंखें गई है इसकी। तो आईब्रो की शेप भी बनी हुई है तूबा की। गाइस हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ही तेज है, मैंने पूरा ढक लिया इनको अच्छे से। पायल यार ऐसे कोने मिल जाए ना चीकू, तो गाइस ये चीकू के कोने जो हम ले लेके घूम रहे, चीकू के पास पहले चार कोने थे, अब चीकू को बड़ी मुश्किल से एक कोना मिलता है, बाकी सारे कोने बच्चे ले लेते हैं। तो गाइस बस हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। बोलो एक काम करियो, दुकान पे भी तू चली जाइयो, मैं गाड़ी में बैठी रहूंगी, और जहाँ से डस्टबिन वो लेना ना बच्चों के, वहाँ पे मैं चली जाऊंगी, वहाँ पे भी तू चली, मैं बच्चों के साथ गाड़ी में बैठी रहूंगी। तो गाइस अभी मैं आई हूँ ग्रीन कपड़े लेने के लिए, क्योंकि छठी पे ग्रीन पहनती है, तो दो जोड़े लेने के लिए आई हूँ, एक अयान के लिए और एक तूबा के लिए। एक बेबी बॉय का दिखा दो, एक बेबी गर्ल का दिखा दो। ऐसा ग्रीन चलेगा? और दिखा दो ग्रीन में क्या क्या ऑप्शन है। ये तो आप लेंगे ना? ये तो हम लेंगे, ऐसे भी पहन नहीं सकती, थोड़ा कुछ फुल में दिखा दो। ये तो सेम सेट है आज पहना हुआ इन्होंने ना, देखो ये तीन सेट आज ही पहनी है। तो गाइस ये अच्छा लग रहा है मुझे तूबा के लिए, छोटा सा क्यूट सा सेट है, और देखो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, है ना, ये भी ग्रीन सेट है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या है, ये भी स्मॉल है ना, ठीक है, और दिखा दो ग्रीन के अंदर। तो ये सारे के सारे कपड़े ना पायल ही पसंद करेगी, मैं बाहर जाऊंगी और पायल से पूछूंगी क्या पसंद आया, तो पायल बोलेगी वो हाँ करती है। ये तो सबसे बहुत सुंदर लग रहा है, न्यू बॉर्न साइज है। हाँ। ये मैं फाइनल कर देती हूँ, एक मिनट अयान को, ये अयान है, कोई बात नहीं। देखियो अगर साइज चेक करना है, बस बड़ा है, बड़ा है, यस यस, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। देखियो ये बड़ा है, गोलू बड़ा है, ये तूबा नहीं है, ये वो है अयान है, अयान इसका मतलब इससे छोटा चाहिए। चल मैं देख के आती हूँ। तो गोलू पसंद का ग्रीन में कौन सा है? देख रही हूँ, देख रही हूँ, यही ग्रीन ऑप्शन है, बस यही है। मेरे को ये पसंद आया था तूबा के लिए, बता दिया ये वाला, ये वाला, और ये वाला अयान के लिए, अयान के लिए नहीं पसंद आया, तूबा के लिए आया। एक काम करते ये ले लेती हूँ। अरे मुझे ये पसंद आया, तूबा को ये आएगा साइज, देखना तूबा को पहने सुंदर भी तो लगे, ये किसको आएगा। चल फिर ये ले ले, ये तूबा के लिए फाइनल कर देती हूँ, और अयान के लिए वो ग्रीन सेट कर ले, ठीक है, ये ले, ये रहने देती हूँ, ठीक है। ये और कौन सा लूँ, ये के वो, ये ले ले, ठीक है, दे दो जा पैसे दिया। ये दो सेट कौन से हैं बता दो, यही तो है बाबू, या देखने पड़ेंगे उनको, देख मुझे ले। मैं दो ले रही हूँ। तो गाइस ये वाले फाइनल कर लिए हैं, ये है अयान का, ठीक है, ग्रीन वाला, और ये है तूबा का जो मैंने फाइनल किया था। तो कैप्स जो बो वाली पसंद आई थी ना तूबा को लूज है, तो मैंने तीन कैप भी ली है, दो बॉय की है एक गर्ल की है। तो गाइस शॉपिंग हो गई डन, तो अभी मेरे को जाना है मिल्टन, मिल्टन के अंदर जाकर मुझे ना बास्केट लेनी है बच्चों के लॉन्ड्री वाली, साथ ही साथ एक डस्टबिन भी लेना है, दो तीन चीजें और भी लेनी है। तो बस यहाँ से गाड़ी घुमाते हैं, मिल्टन आएगा तो वहाँ चलती हूँ। मुंह देखो कैसा बनाएगा, इसी नींद पूरी हो गई, उठ गया। ओए छोटे बच्चे देखो, छोटी छोटी आंखें खोली हैं। बेटू सोनी बात करो बेटा, अभी मम्मी की मूड नहीं है, साल बात करूंगा, थोड़ा घमंडी है मेरे बेटा। ठंडी बच्चे दो तीन साल तक बात ही नहीं करते, हम कितना बात करते थे। बेटू सोनी तूबा
अरे बच्चा कोई जवाब नहीं, मम्मी बोलते रहो। एटीट्यूड पूरा नाक पे रहता है। थक गई बहुत थक गई, इतनी दूर चल के आई बस थक गई। मेरी सांस चढ़ जाती है आजकल, पर इससे कम चढ़ी है, पर चढ़ी है। थैंक यू भैया। मेरा फोन आपके पास है ना, आप जूस वगैरह पीना शुरू कर दो बस। हाँ गाइस, मिल्टन से जो सामान लेना था वो ले लिया था, बट सामान मैं दिखा नहीं पाई, घर जाके दिखाती हूँ। पाए अभी हम आ रहे थे ना, तो नुपुर मैम बैठे हुए थे कैबिन में, तो मैंने मैम को हाई किया, मैम की हाई, तो मैंने कहा मैम मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो गया, मैं सर के पास जा रही हूँ। मैम की ये तो गलत बात है। तो फाइनली हमारी तूबा और जैद का जो अयान का जो नाम है ना वो परमानेंट हो गया है। उनके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मैं जो यहाँ पे सिग्नेचर कर रही हूँ, और इनका जो बर्थ सर्टिफिकेट जल्दी मिल जाएगा, और आज मुझे मिल जाएगा जैद का बर्थ सर्टिफिकेट। हो गया रेडी? हाँ जी मैम। ठीक है, दे दो फिर। तो यहाँ तूबा का टेम्परेचर चेक हो रहा है, ठीक है? 98। और अभी अयान का जो टोपी लगा रहा, गर्म तो नहीं आएगा? ये मुझे मशीन दे देना घर के लिए, अच्छी लगती है। क्या करेगी इसका? ऐसे कोई टेम्परेचर चेक करना, सबसे टच करो हो जाए। अच्छा बच्चों के लिए थर्मामीटर जगह ये सही रहता है ना? ओ ये ठीक है यार, ये ले लेंगे। ज्यादा नहीं है, कितने दिन के हो गए? ये आज 6 दिन के हो गए। टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है? नहीं, चलो ठीक है, शुक्र है। इसको तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा बी पॉजिटिव। जिनके बी पॉजिटिव होता है, ए पॉजिटिव होता है, उनको जॉन्डिस कम। बच्चे माँ का बी पॉजिटिव हो, ए पॉजिटिव हो, उनका जॉन्डिस कम होएगा। माँ का ओ हो, नेगेटिव हो, ज्यादा होगा। बच्चे 7 दिन से छोटे हो तो ज्यादा चांस, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं चांस कम हो जाते हैं। प्रिक ना करो, प्रिक नहीं करो। तो अभी मुझे जो है मेरा जो इंजेक्शन चल रहा था वो डॉक्टर ने कर दिया है कंटिन्यूस। डॉक्टर ने बोला है कि अभी जो है फर्क तो पड़ रहा है, पर उतना फर्क नहीं है, अभी 5 दिन और लगवाओ इसे, मतलब 5 डोज और लगेगी। उसके बाद फिर से एक बार मेरा मैम चेक करेंगी, और अगर सब ठीक रहा, पहले से तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है मेरे अंदर। पहले तो मेरी मतलब इतनी बुरी हालत थी, बहुत ज्यादा बुरी हालत थी, अभी ठीक लग रहा है। और यहाँ पे जो है अयान, मेरी बेटी, मेरा सोना, मेरा मोना, मेरा बेटा, मेरे कुचड़ू मुचड़ू पुचड़ू, देखो आंखें खोल ली इसने। देखो तो यहाँ पे तूबा भी है ना, तूबा भी पूरे रास्ते सोई हुई थी, और यहाँ पे भी अभी भी सो ही रही है। तो बस ट्रिप जो है मेरी धीरे 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 चढ़ रही है, अब ये जितनी देर में खत्म होगी फिर मैं निकलूंगी। और नेबुलाइजर भी आ गया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है मुझे खांसी में। तो गाइस यहाँ पे ना पार्क की नेबुलाइजेशन स्टार्ट हो गई, और सच में बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है। रोज रोज नेबुलाइजेशन कराना, कैनुला के अंदर ड्रिप लगवाना। अभी मैम ने बोला 5-6 डेज और देखेंगे, इसका जो निमोनिया है ना वो ठीक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस गाइस हॉस्पिटल से निकलने वाले हैं, बस फटाफट इसका ये हो जाए, क्योंकि ना घर जाके हमें शर्टी के फंक्शन की तैयारी भी करनी है। और पता नहीं मैं तो सो ही थी रात को, मुझे अभी इतनी नींद आ रही है, मुझे भी नींद आ रही है। पैन ने बोला ना, नींद का नाम लिया पैन ने अभी, तो उसका सुन के मुझे भी नींद आने लग गई। तो गाइस यहाँ पे ना ड्रिप इतनी स्लो चल रही है, इसको मैंने फास्ट करा हुआ तब भी स्लो लग रही है। तो पायल तो सो गई है, और साथ में जैद भी सो गया है, और जो हमारी तूबा है ना वो जाग रही है। तो तूबा को मैंने यहाँ पे अपने साथ बिठाया हुआ है। और गाइस ऐसी वाली जो सॉक्स है ना, ऐसी वाली सॉक्स ना मैक्स से लेकर आए थे, बहुत अच्छी सॉक्स है, इसके नीचे ग्रिप है। देखो मैंने ये तूबा को पहनाई हुई है, नहीं ये इसमें ग्रिप नहीं है, वाली में ग्रिप है, बहुत अच्छी सॉक्स है। तो ऐसी सॉक्स ना हम और भी लेकर आएंगे मैक्स से, और बहुत अच्छी सॉक्स है। इसके नीचे ना ग्रिप की वजह से बच्चे जब चलेंगे ना फिसलेंगे नहीं, और ये स्ट्रेचेबल सॉक्स है ना, आगे जाके भी काम आएंगी। तो गाइस इस वाली गाड़ी में बैठना इतना मुश्किल है ना मेरे लिए, इतना मुश्किल है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं हमेशा छोटी वाली गाड़ी में बैठना पसंद करती हूँ। तो गाइस बच्चों का टाइम आ गया कूं कूं करने का, तो हमारी तूबा है ना वो कूं कूं कर रही है। तो बस अभी घर पे जैद भी खेल रहा है, वो भी पता नहीं क्या कूं कूं कर रहा होगा। तो बस घर जाके पहले बच्चों को देखते हैं, फिर 5:30 तो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। शाम को छठी के फंक्शन की तैयारी भी करनी है, बट ठीक है छठी का फंक्शन तो रात शाम को ही होता है, 6-7 बजे होगा। भैया गोर लेके आना था, हमारे यहाँ लिफ्ट के पास ना बहुत ज्यादा हवा होती है, बहुत ज्यादा, बच्चों को इस हवा से बहुत छुपा के रखना पड़ेगा। मैंने तो पूरा फोल्ड कर दिया, मेरे तो फोल्ड फोल्डर रो भी दिए, रो रही है वो। तो फाइनली हमारे घर में आई है पूजा मासी, मेरी भी पूजा मासी। इतनी भी बात नहीं है अब, पर सुंदर लग रही है पूजा। पूजा कौन सी योगा करने लगी पहले ये बता, बहुत फिट लग रही है। स्किन वाली को दिखाया बस वो खराब हो रहा था, और ये वही हाइलाइटर है ना तेरे वाला, आज मैं लगा रही थी ना तो मैं याद कर रही हूं। लड़कियों वाली बातें हो रही है यहाँ, मैं पूछ रहा हूँ कौन सा डाइट का राज बता, कुछ खा पी रहे? नहीं बस स्किन वाली डॉक्टर को दिखाया और कुछ भी नहीं, चमक रही है सूरज से भी ज्यादा तेरी स्किन, और सिर्फ सनस्क्रीन और वो लगाया, ग्लो कर रही है, ग्लो तो नहीं कर रही है, तो देख फंडा है, झूठ बोल रही है। देख ना खुश नहीं होने देते, कह दो अब मैं खुश हो जाऊंगी सब की, मेरी आंखें बंद हो रही है, बंद करियो मेरी आंखें। देख पंगे ले रहे हैं। पायल आज हम 2 जोड़ी कपड़े लेके आए ना ग्रीन, तो जैद अभी मेरे पास है सुबह से, तो गाइस बाहर हॉस्पिटल मीटिंग पकड़ नहीं पाती, जैसे मेरे पास आया ना उल्टी कर दी, सारे जो ग्रीन टी शर्ट है पूरी गंदी हो गई। मैंने कहा था इसका तो ग्रीन है, इसको छोड़ इसको रहने दे, इसको मत पीना, तो उसके बाद मन नहीं आई, इसको बात चुप गई रात को। तो ये बात उसको लगा कि मम्मा ने मुझे ये नहीं बोला नए कपड़े पहनने को, तो उसने खुद भैया अपने पूरे कपड़े गंदे कर दिए। अब वो मैं अभी रो रहे हैं, क्यों कह रहा वो दूसरी ड्रेस पहन रहा है। अरे बेटू नहीं नहीं नहीं, अच्छा आपको भी पहनाऊंगी, आपको ही पहनाऊंगी, आपको पहनाऊंगी, पहनाऊंगी ग्रीन कपड़े, लाई हूँ भगवान कसम।
लाई हूँ, दिखाऊं अभी दिखाती हूँ। सुबह का हो रहा है काजल का आज ना वो उद्घाटन, उसको लग रही है काजल, उसकी बुआ डाल रही है उसकी आंखों में काजल ताकि उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाए। हमारे यहाँ छठी के दिन ही बच्चे को नहलाया जाता है, उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको काजल लगाया जाता है और नजरिए बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे दिखा दे, इसको काजल डाल रहे हैं ताकि इसकी आंख मोटी मोटी हो जाए, हमारे की तरह मोटी मोटी। दीदी पहले इसको तो मोटा कर दो, तो बाद में करना। अरे बड़ी स्मार्ट बनेगी तेरे जैसी, ये मैं स्मार्ट हूँ, छा जाएगी इंडिया में है ना ये। और क्या देखिए, कॉपी है तू? ओपी कार्बन कॉपी है बिल्कुल एकदम। अरे बेटा नजर का लगा देती तेरे को, टीका टीका पायल जैद सो नहीं रहा था ना इतनी देर से, तो देख मैंने ना इतना एक्सपीरियंस ले लिया है जैद के साथ 25 दिन में। अगर बच्चों को कभी भी सुलाना हो ना तो उसे ना बस अपना ना फीड करा दो, उसको नींद आ जाती गहरी। तो मैं क्या किसी और का फीड करा रही थी, मैं भी अपना फीड करा रही थी। उसको भूख लग रही होगी ज्यादा या उसको नशा हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। पायल जैद का भी टीका लग गया तो उसका भी तो छठी है ना। आईलाइनर लगाया दीदी, इतना सुंदर वाला देखो जरा, आके बड़ी होगी वैसे उसकी ना। और क्या देख ले, अच्छा है ना, जच्चा है ये। अच्छा हाँ जच्चा है ये, तू कुछ नहीं बोलती रहती है, मैं उल्टा बोलती हूँ। दीदी अच्छे से लगाना, पायल आंख बंद मत करियो, सिंगल लगवाइए सिंपल सी। क्या हो गया दीदी, थ्रेडिंग पे भी लगवा लो आज। दीदी मुझे क्या देख बार लगा लो। ओ भाई दीदी मुझे भी लगाओ ना, मैं भी जैद ऐसी डालती हूँ, मैं भी जैद की तरह दूसरी बार छठी मना रही हूँ क्योंकि माँ हूँ मैं। दीदी मेरे भी लगा देना, माँ की ओर होती है, हमारी भी छठी हो जाएगी। ठीक है देख, बहुत सुंदर लग रही है, हम लगाते नहीं ना काजल, तुम सबसे ज्यादा सुंदर चीकू लग रहा है। तो भैया शोर सुनाई दे ही रहा होगा आपको बच्चों का। तो भैया ये है अयान, फुल शोर चल रहा है, ये शांत बच्चा थोड़ा सा, और वो गुड़िया तो हमारी बिल्कुल शांत है ना भाई। हाँ तू बहुत शांत है, बहुत शांत क्या सबसे ज्यादा नोटी यही है, हुआ हुआ उठा लो ना उसको, उठा लो यार, रोने दो थोड़ा, रोने देते बच्चे को, बच्चों को 5 मिनट इसको रोने दो, फिर इसको मेरे को लग रहा है शायद इसको फीड कराना है। ये गोलू क्या नमूना बना रही थी, क्या हुआ नमूना बना दिया नमूना? अच्छा रोम क्यों रहा था ये देखो, समझ गई टॉयलेट की है। अच्छा ये रो इसलिए रहा था गाइस क्योंकि इसने टॉयलेट कर दिया, तो बच्चे जब टॉयलेट करते हैं ना तो वो बोल नहीं पाते, वो रोते हैं, तो हमें समझना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है। सबसे सुंदर आंखें लग रही है, एक बार बता। हाँ ये हमारा बच्चा नहीं है, टॉयलेट तो इसने भी कर रखा है, पर आराम से सो रही है। अब जो पायल जो रोएगा उसको उठाना पड़ेगा ना, तो ये देखो चुप हो गया, करा दिया ना, अब मैं चेंज कर दूंगी इसके कपड़े। शांत है बेचारा, ये कुछ नहीं बोलता किसी को है ना, ये सबसे ज्यादा ना बड़ा बच्चा है और सबसे शांत मेरा एक वो बच्चा है, आज कल से कोई प्यार नहीं करता ना। क्या हुआ कुछ नहीं हुआ, अभी सब लोग पहुँच गए, संगीत होने वाला है, शो भी भाई बजाने वाले संगीत और गाएंगे खुशियाँ। शुरू करें, हाँ जी शुरू करो। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। धरती से लेके अंबर, नदियाँ हो या समंदर, धरती से लेके अंबर, नदियाँ हो या समंदर, कितना गा रहे हैं खुशियाँ ही खुशियाँ, देखो चारों ओर फैली क्योंकि मेरे घर में मेहमान आ गए हैं। नजर आने लगे, पूरा मुंह काला कर दिया देखो। पूरा मुंह काला कर दिया। क्या है यार मेरा बच्चे का बुरा हाल है। हेलो सारे बच्चा, सारे बच्चा क्या होता है, सारे बच्चा सारे का मां पापा ने लल्ला जनिया सुनो री बहना, हे लल्ला जनिया सुनो री बहना, मेरा चुन्ना मुन्ना बच्चे बहनो देखो मेरा चुन्ना मुन्ना बच्चा, बाबी तेरा ये ललना घर घर का खिलौना सबको निभाना है, भी तेरे हाथों को कंघों से सजाना है, तेरा ये ठानी तेरा ये एक सेकंड ले लो, उसका चेहरा ले लो, चौथ सा चेहरा मेरी चंदा बाबू है, मेरा सोना बेटा है। ओ जच्चा चुप चुप करे इशारे, राजा जी पास आओ हमारे, मैंने नल से बुलाई वो दाई ले आए, मम्मी बुलाई वो
हैं बहरे तुम्हारे, रज आओ पास हमारे, मैंने चाची बुलाई वो जेठानी ले आए, क्या बहरे वाले तुम्हारे, जच्चा चुप चुप करे इशारे, और जच्चा चुप चुप करे इशारे, ये गोरे गोरे लाल लाल ये रेशम जैसे बाल, जचा तेरा क्या कहना, जचा तेरा क्या कहना, आगे क्या है, एक ही लाइन दी भूल गए गाइस, ये जच्चा बच्चा के ये जच्चा बच्चा के गाने हम फोन में देख के गा रहे हैं ना, एक ही लाइन थी गाइस, एक ही लाइन थी, मैंने कहा आगे क्या है, आगे इसको आता नहीं था, आगे दिखा नहीं रहे, एक ही दिखा रहे हैं, इसका साउंड चलाएगी तो आएगा, नहीं एक ही दिखा रहे हैं, जच्चा की सास चौआ, एक सेकंड गाइस, जच्चा की सासू छुर आ छुड़ाई, छुर आ छुड़ाई तो वो हरावे गाई, चार बार वो अच्छा चार बार अच्छा सा गाते, फिर को दिखाया अच्छा सा कर, मैंने क्या बोला, आपने तो ना अच्छे अच्छे गाए थे ना उस दिन, निकाल अच्छा सा, जैद की छट्टी थी तो वो सो रहा था, हमने गीत गाए थे, कोई मतलब नहीं था, इन तीनों की छट्टी है, ये तीनों सो रहे हैं, तीनों इन्हें कोई मतलब, देख लेख इनके लिख के जाएगी माता रानी और जागेंगे हम, बहुत सारे ना नितिन भैया आज कपड़े लेकर आए हैं, नितिन भैया इतने क्यूट क्यूट कपड़े लेके, सबसे पहले मैं दिखाऊंगी तूबा के कपड़े, तो ये है क्यूट सी तूबा की फ्रॉक, साथ में शॉर्ट्स है छोटी सी, ये भी तूबा का है, ये भी तूबा का है, और ये भी तूबा का है, मतलब तूबा के सबसे ज्यादा आए, और एक ये डांगरी है तूबा की, और साथ में है छोटी सी प्यारी सी टी शर्ट, साथ साथ अयान और जैद के भी है, ये है अयान का शेर वाला, ये भी है अयान का और जैद का, मतलब दोनों का, और ये भी है अयाज और जैन का, और साथ में उनकी बो, मतलब कितना मस्त लगेंगे ना गाइज ये बो पहन के, तो नितिन भैया के जो कपड़े हैं ना बहुत अच्छे लगे, साथ साथ ना मैं आपको एक और चीज दिखा देती हूँ, आज ना पूजा भी आई थी तो पूजा तीन सेट देके गई है, तो दो हमारे जैद और अयान के सेम पहनाएंगे, सबसे पहले दिखाऊंगी दोनों के कपड़े सेम, और जो उनकी बहन है वो पहनेगी प्रिंसेस पिंक कलर के, तो एक काम करेंगे गाइज अभी तीनों थोड़े बच्चे सही हो जाए, थोड़े हेल्दी हेल्दी हो जाए, फिर हम तीनों को अच्छे से पहना कर ना अच्छा सा शूट करेंगे इसमें, तो गाइज आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जिसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।